बच्चों, आज मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी दूंगी। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि संयुक्त व्यंजन में एक तरह से व्यंजनों का ही प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। हमारे हिंदी लिपि में यानी कि देवनागरी की लिपि में चार संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनको मिलाने पर उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, और उन चार में जो सबसे पहला व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, वो बनता है क, नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसका उच्चारण बिना स्वर के होगा। और उसके बाद श के साथ स्वर जुड़ जाता है तो इसे हम बोलेंगे श। और इसका उदाहरण है, इसको जो प्रयोग करते हैं उसके शब्द शिक्षक, रक्षक, क्षमा। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त, इसमें भी हलंत लगा हुआ है यानी कि इसका अल्प उच्चारण होता है, और उसके बाद र के साथ अ लगा हुआ है तो ये इसमें इसका उच्चारण करेंगे त्र। क्या करेंगे? त्र। इसके उदाहरण है चित्र, पत्र, त्रिशूल। तीसरा संयुक्त व्यंजन जो है उसे ध्यान से समझिए। ये जो शब्द है इसका जो पहला अक्षर है ज, ज जो है वो स्वर रहित है, हलंत लगा हुआ है उसमें। उसके बाद या, ये इसमें स्वर जुड़ा हुआ है तो इसका जो उच्चारण है वो है ज्या। इसको इसके जो दूसरे शब्द बने हैं मिलके वह है ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा। और अंतिम संयुक्त व्यंजन है श्र। ये बनता है श, हलंत लगा हुआ है यानी कि इसका उच्चारण भी अल्प ध्वनि होती है इसकी, और उसके बाद र, र में आ स्वर लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे श। ये इसके उदाहरण हैं श्री, श्रम, आश्रम। ठीक है बच्चों, आप इन चारों संयुक्त व्यंजनों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है।